बरियामऊ माइनर में साफ सफाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति। कन्नौज तहसील तिरवा के अंतर्गत माइनर बरियामऊ की कई वर्षों से सफाई न होने के कारण ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है माइनर की साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो रही, अधिकारी खानापूर्ति कर रहे हैं। वहीं कुड़ेरिहार और मनसुख पूर्वा, चंदुआहार, फकीरपुरवा, सपहा आदि जगहों से गुजरती हुई माइनर के किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है माइनर की साफ सफाई सही तरीके से न होने पर हमारी फसल नष्ट हो जा रही है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। विभाग के आला अधिकारी सफाई और विभाग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करते नजर आ रहे हैं। किसानों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर मौजूद किसान राम कुमार, देवेंद्र, सौरभ, लाखन सिंह आदि मौजूद रहे। ज्ञानेंद्र सिंह, तहसील संवाददाता तिरवा, अभिषेक तोमर के साथ। देख सकते हैं हमारे पास जो बरियामऊ रजवा है उसके ठेकेदार यहाँ काम करवा रहे हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। क्या इसका समीकरण बन के आया, क्या कैसा काम करना है आपको, क्या निर्देश दिया? एक फुट मिट्टी उठना है। एक फुट मिट्टी, बस एक फुट? ये समीकरण जो आपके पास आया है यही आया? ये ढाल है ना इधर, हाँ उधर से काफी उठ के आई है, इधर है ढाल। उधर से कितना उठा लगभग? उधर करीब 2 फीट 2.5 फुट उठी है। 2.5 फुट, इधर से 1 फुट उठना है। देख बता सकते हैं ये आपका नाम? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह ये ठेकेदार जी हैं, इनको यहाँ का ठेका मिला है। आगे जो बता रहे हैं, ये आगे जो चंदुआर गांव पड़ता है, गांव के टेल से जी। टेल से जो 2.5 फुट मट्टी उठाई है, यहाँ पर 1 फुट मट्टी उठाई है, इधर ढाल है बता रहे हैं। तो ढाल पे बता रहे कम मट्टी उठाई जाती है, ठीक है। ये जेसीबी द्वारा काम हो रहा है और साफ सफाई से काम हो रहा है। ढलान को दिखाइए, ढलान को दिखाइए। देख सकते हैं आप सरकार की कार्यविधि को, धीरे से आराम से। हाँ नीचे उतर गए। कपड़ा एक दे दो आगे। देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार की ये रणनीति, जैसे कि ये बरियामऊ रजवा अपने खैर नगर जो रजवा के पास से समीप से गुजरा है, इसमें साफ सफाई चल रही है, क्योंकि अभी गेहूं की फसल में किसानों को तकलीफ ना हो सके, पानी की समस्या ना हो सके, इसलिए ये साफ सफाई की जा रही है। धन्यवाद, देखते रहिए टीवी इंडिया 18। ज्ञानेंद्र सेंगर के साथ ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट। बरियामऊ माइनर पे जो बता रहे थे ढलान, ये गांव के निचले उस पे है, इसको 2.5 फुट बता रहे थे खोदा हुआ। देख सकते हैं कैसा खुदा हुआ, ये रात में इसकी साफ सफाई हुई है। केवल ये झाकड़ें जो रोड पे खड़ी थी, उनको हटाया गया है। देख सकते हैं ये मट्टी भी नहीं खुदी है वहाँ की, मतलब इतने कितनी गहराई, 1 हाथ तक की गहराई नहीं है और ना इसमें साफ सफाई की गई है। देख सकते हैं आप किस तरीके से इसमें अभी भी कचरा जो जमा हुआ है, इससे गांव के लोगों को, किसानों को कितनी समस्या आ सकती है, आप सब समझ सकते हैं। कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि कितनी बरियामऊ माइनर की साफ सफाई है। अब इसके साथ ही हम आपको गांव के किसानों से भी बात कराएंगे, गांव में जाकर अभी बरियामऊ में जाकर किसानों से भी बात कराएंगे। ये साफ सफाई बता रहे हैं जो किसान, रात में साफ सफाई हुई है, ये जेसीबी जो चली है, जेसीबी से बरियामऊ माइनर की साफ सफाई की जा रही है, वो भी रोड से ये बगल में ही रोड लगा हुआ है, इससे साफ सफाई की जा रही है। देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही जो बता रहे हैं ना, 2.5 फुट का यहाँ पर कुछ नहीं है। देख सकते हैं आप, बंद करिएगा यार। देख सकते हैं गांव के लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहते हैं, इसी गांव के लोग हैं, किस गांव से हैं? कुड़ेरिहार से साहब। अच्छा, क्या दिक्कत है, प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? बम्बी सही ना झर पाए रही है, पानी ना आ रहा, 4 साल से परेशान है। अब ये जेसीबी चल रही है वो साहब दिखावट ही चल रही है, ऊपर कोई सफाई नहीं साहब, कोई साफ सफाई नहीं, साहब नहीं। इसमें बम्बे में पानी कब से नहीं आया? 4 वर्ष हो गई साहब, विभाग का कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं साहब हो रहा। अच्छा जी, अगर ये बम्बे में पानी आ जाए आपको राहत क्या क्या? अरे साहब तो सबरी राहत मिलेगी, हमारी फसल सिंचेगी, पैदा होगा। हाँ, कहीं कहीं साहब बोरिंग नहीं है तो सूख जाती फसलें, फसलों में नुकसान होता है। आप इसी गांव किसान हैं? जी 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 जी। देखिए ये भी इसी गांव से, आप किस गांव से? जी मनसुख पुरवा जी से हैं। आप क्या दिक्कत आ रही है, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जी मेरे यहाँ पे जब फसलें उगाई जा रही हैं
उसमें पानी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब फसलें तैयार होती हैं वहाँ पे जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे पानी उसे समय पे नहीं मिल पाता, इसलिए मेरी फसलें नष्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। बहुत समस्या है यहाँ पे, और बम्बे की सफाई भी नहीं हो रही है। बम्बा शायद छोड़ा भी जाए पीछे तो वहाँ पे फटफटाया जाता है, मेरे इधर पानी नहीं आता है, यहाँ पे सफाई नहीं। कारण यही है, साफ सफाई नहीं हो रही, तभी बम्बा का पानी जो इसमें आ नहीं पा रहा, नहीं आ पा रहा, इसमें पानी नहीं आ पा रहा। साफ सफाई हो जाए तो बम्बे का पानी आ जाए, किसानों को राहत मिल सकती है, फसलें अच्छी होंगी तो हम लोगों को ऑटोमेटिक से राहत मिलेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस गांव से? मनसुखपुरवा से। आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आप क्या दिक्कत आ रही है इसमें? पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, ये जेसीबी जो चल रही है, अरे बाकी वो दिखावटी चली, जैसे केवल दिखावटी चल रही, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं। देख सकते हैं आप किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, और कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, इनका कहना ये है। कैमरामैन ज्ञानेंद्र सिंगर के साथ ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट।